देश में मुसलमान बहुत कम है, तो केसीआर साहब को ये जहन में आया कि मुसलमानों को भी, जैसा केरला है, बंगाल है, वहाँ पे 10% से 12% रिजर्वेशन है, तो क्यों ना हम तेलंगाना में रिजर्वेशन दें। ये बात और प्रपोजल केसीआर साहब का था। मैं हमारे अपोजिशन भाइयों से एक ही बात की अपील करना चाहता हूँ। आज आप लोग धरने देने की बात कर रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये बोल के कि 12% रिजर्वेशन की बात करें, लेकिन केसीआर दे नहीं रहे हैं। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा, जब कोई काम बनता है तो उसको बनने दीजिए, बिगड़ने मत दीजिए। आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने से, आपके धरने करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब 12% रिजर्वेशन की बात आई तो आपने कभी ना मुतालबा किया, ना कोई रिप्रेजेंटेशन दिया, ना कोई आर्जी दी, ना कोई गुजारिश करी। फिर आज के सख्त से आप लोग अपने धरने देने की बात करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं, मुसलमानों को TRS पर दबाव डालने की बात करते हैं, ये सरासर बेबुनियाद है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कुछ वक्त इंतज़ार कीजिए। जब KCR साहब इतने सारे वक्त में काम कर रहे हैं, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं आपको, जब मुसलमानों में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर देंगे बोल के KCR साहब बोले तो लोग हंसने लगे, बोले ये सब बोलने के बातें हैं कब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज महमूद अली साहब को डिप्टी CM देकर KCR साहब ने साबित किया, वो जो करते हैं वो कहते हैं, जो नहीं कहते वो नहीं करते। तो 12% की बात है, इंशाल्लाह आगे चल के वक्त आपके सामने रहेगा, आपको ज़रूर जो है ना पता चलेगा क्या होगा। बहरहाल मैं आप लोगों के ज़रिए, खासकर मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ SM न्यूज़ को, जो बहुत अच्छा कारनामा आप लोग कर रहे हैं, और आप लोगों से यही अपील करता हूँ, हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जो आप कवर कर रहे हैं, आपके एडिटर साहब को भी, जनाब सलीम साहब को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आने वाले वक्त में भी आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम्स को ऐसे हाईलाइट करिए ताकि पब्लिक तक ये मैसेज पहुँचे कि हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि कई नेशनल लेवल पे जो आंध्राई कायदीन के आंध्राई चैनल्स है, वो लोग थोड़ा सा जो है ना TRS मूवमेंट की तरह TRS गवर्नमेंट को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।